दुनिया भर में चीन अजीबोगरीब कारनामों के लिए ही तो जाना जाता है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो केवल चीन में ही देखने को मिलता है। चीन में आप केवल $31 से हर हफ्ते के लिए एक गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकते हो। और दूसरा, चीन में शादी का मार्केट लगता है, जहां लोग अपने बच्चों की फोटो के साथ उनकी बायोग्राफी और क्वालिफिकेशन एक पर्चे में लिखकर शादी के लिए ऑफर करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चाइना में हायर मी प्लीज करके एक डेटिंग ऐप है, जो कि चीन में एक बहुत ही बड़ा रोजगार का साधन बन गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा लड़कियाँ रोजगार में हैं। चीन में कोई भी $31 से हर हफ्ते के लिए एक गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकता है। इससे यह पता चलता है कि समय कितनी ताकतवर चीज है, जिसके सामने खुद इंसान सामान की तरह बिक रहा है। हालांकि इस प्रकार के जॉब्स के नेटिजन्स के बीच में काफी आलोचना हुई है, लेकिन चीन में अभी तक किराए पर गर्लफ्रेंड पर रोक लगाने के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है। और वही चीन में एक शादी का बाजार जो कि सालों से लग रहा है, तो चीन के संघाई में पीपल्स स्क्वायर के पीपल्स पार्क में कई सालों से एक अनोखा शादी का बाजार लगता है। इस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। एक चीनी वेबसाइट के अनुसार यह बाजार लगभग 2005 से लग रहा है। हर वीकेंड में शनिवार के दिन इस बाजार का आयोजन होता है। कड़कड़ाती ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, किसी भी स्थिति में यह बाजार ना लगा हो ऐसा कम ही मौकों पर देखा गया है। इस बाजार में लोग सड़क किनारे कागज की सीट पर चीनी भाषाओं में विशेष रूप से विवाह योग्य लड़के लड़कियों के बायोडाटा लेकर बैठे रहते हैं। इसमें लड़के या लड़की की उम्र, सालाना तनख्वाह, पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा, जन्मदिन और ज्योडिक साइन वगैरह लिखा होता है। ज्योडिक साइन मतलब आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। विवाह योग्य लोगों के माता पिता या दादा दादी आपस में इन बायोडाटा को बदल लेते हैं या फिर बाजार में आने वाले दूसरे लोगों को देते लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बाजार में बढ़ती भीड़ की एक बड़ी वजह चीन में सेक्स रेशियो का असंतुलन भी है, जहाँ लड़कों की तादाद लड़कियों से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, यहाँ के लोग भी यह मानते हैं कि यह शादी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ लोग आपस में मिल सकते हैं। ऐसे में अगर बात बन जाती है तो क्या बुरा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।